हो गई बेटा, केमिस्ट्री क्लास हो गई आपकी? हो गई केमिस्ट्री क्लास? हाँ बेटा, पूजा कुमावत, आप पास कोर्स के हो या वैसे हो, बीएड वाले हो? बीएड से मैम। ठीक है बेटा, फिर तो आपकी फाइल का रिकॉर्ड का आया था ना नोटिस, इसलिए पूछा बेटा। रिकॉर्ड वाला आपका तो बाद में आएगा ना, से नोटिस आया था बेटा, तो उनको 18, 19, 20 को चेक करानी है, पास कोर्स वाले को। हो गई आपकी केमिस्ट्री क्लास? हो गई पूजा? पूजा कुमावत, पूजा चौधरी आ गई। यस मैम। ठीक है बेटा, और तनुप्रिया भी आ गई, पूजा चौधरी, पूजा कुमावत, तनुप्रिया, लता वर्मा, पिंकी चौधरी, मैम संध्या मीना की भी प्रेजेंट लगा देना, वो मेरे साथ क्लास ले रही है। अरे बेटे, कौन बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो? पिंकी बोल रहे हो? प्रिया प्रिया, अच्छा बेटा, प्रिया और संध्या लगा दी बेटा, प्रिया राठौर और संध्या आपके साथ लेंगे ना राठौर। बेटा? ठीक है बेटा। ओके थैंक यू मैम। तो बेटा आप लोग एक ही मोबाइल से लेते हो क्लास या मतलब लैपटॉप से लेते हो बेटा? मैम यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, लग गई बेटा, मानते हैं प्रिया तो लग गई है ना, उसकी लग गई, संध्या मीणा की। ओके मैम। कौन कौन आ गया? लता वर्मा, पिंकी चौधरी, ओपू, सृष्टि, अपना नाम बदल लो बेटा, सृष्टि भी आ गई, प्रिया राठौर भी आ गई, पूजा चौधरी, तनुप्रिया, पूजा कुमावत, अंजलि जलवानी आई है अभी, अंजलि जलवानिया। बेटा आपको पता ही होगा, जो पास कोर्स के हैं उनके लिए बोल रही हूँ, उनको 19, 20, 21 को रिकॉर्ड चेक करानी है, तो रिकॉर्ड कंप्लीट कर लेना बॉटनी की, है ना बेटा, जो पास कोर्स वाले हैं बॉटनी, ठीक है ना? मैम भीड़ वाले बीएड वाले की तो अभी आई नहीं है नोटिस, तो अभी तो आप पास कोर्स को चेक करवानी है, आप लोग जो भी पास कोर्स के हो ना, तो उनको 19, 20, 21 को बॉटनी रिकॉर्ड चेक करवाना है, बॉटनी फाइल्स। कौन कौन है इसमें? लता मैम। वर्मा सृष्टि है क्या? सृष्टि तो पास कोर्स की है, बीएड नो मैम भीड़। की है। अंजलि जलवानिया, ये सब बीएड के हो आप? प्रिया, प्रिया आप पास कोर्स के हो, बीएड के हो?
हाँ जो भी पास कोर्स का है ना बेटा उनको चेक करवानी है। अनीता जंग ने शायद पास कोर्स की। ओके मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, अनीता जांजिट भी आ गई। ज्योति सेना ही है अभी, ज्योति सेना गई। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग, निकिता चौधरी भी आ गई। आरती चौधरी भी आ गई। निकिता अंजना, निकिता चौधरी आ गई। हम निकिता अंजना आई है। निकिता अंजना साक्षी यादव ज्योति मीणा ऋषिता कलाल साक्षी यादव ज्योति मीणा ऋषिता कलाल नीतू भी आ गई। नीतू बागड़ी ऋषिता कलाल हाँ बेटा, अपन लेते हैं आज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, जीवाणु कोशिका की परा संरचना। जीवाणु कोशिका की परा संरचना, तो पादप कोशिकाओं के समान ही जीवाणु कोशिका भी एक कोशिका भित्ति सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एवं जीव द्रव्य से मिलकर निर्मित होती है। इनके अतिरिक्त कुछ और संरचनाएं भी पाई जाती हैं, जैसे कि स्लाइम लेयर, अवपंक परत या कैप्सूल, संपुटिका, फ्लैजिला, कशाबिकाएं, पाइलाई आदि। तो कोशिका द्रव्य में राइबोसोम। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो, वापस बोलो बेटा। हाँ इंग्लिश में बेटा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। कल अपन बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे थे ना, बैक्टीरिया की, तो टॉपिक इंग्लिश में है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। ठीक है बेटा, तो इसमें साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में राइबोसोम्स, केंद्रक पदार्थ प्लाज्मिड एवं अन्य संग्रहित पदार्थ पाए जाते हैं। तो स्लाइम लेयर, अवपंक परत या संपुटिका सेल वॉल के बाहर एक अतिरिक्त आवरण के रूप में पाई जाती है। तो क्या बता रही हूँ, पादप कोशिकाओं के समान ही जीवाणु कोशिका भी एक कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली एवं जीव द्रव्य से मिलकर बनी होती है। इनके अतिरिक्त कुछ और संरचनाएं भी पाई जाती हैं, जैसे कि स्लाइम लेयर या कैप्सूल, फ्लैजिला व पाइलाई आदि। तो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स, केंद्रक पदार्थ प्लाज्मिड एवं अन्य संग्रहित पदार्थ पाए जाते हैं। तो स्लाइम लेयर या संपुटिका सेल वॉल के बाहर एक अतिरिक्त आवरण के रूप में पाई जाती है। तो बैक्टीरियल सेल जीवाणु कोशिका की प्रमुख संरचना निम्न प्रकार से है। तो पहला है, बात करेंगे
कैप्सूल और स्लाइम लेयर और ग्लाइकोकैलिक्स, तो हिंदी है संपुटिका या अवपंक परत। तो कुछ बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति के बाहर जलीय बहुल पदार्थ का एक म्यूसिलेज आवरण पाया जाता है, इसे अवपंक परत, स्लाइम लेयर या संपुटिका कैप्सूल कहते हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यदि यह परत नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की होती है तो इसे कैप्सूल कहते हैं। मतलब बेटा कुछ साइंटिस्ट के अनुसार यदि यह परत नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की होती है तो इसे कैप्सूल कहते हैं, लेकिन यदि इस परत में पॉलीसेकेराइड्स हो तो यह स्लाइम लेयर कहलाती है, क्योंकि यह पदार्थ क्षयान प्रकृति के होते हैं, अतः इस परत को ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं। तो परजीवी जीवाणुओं में कैप्सूल पाए जाते हैं जो इनकी कोशिका भित्ति को लाइसोजाइम द्वारा पाचन से बचाते हैं। तो कैप्सूल का रासायनिक संगठन अलग अलग जीवाणुओं में भिन्न होता है। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि जेंथोमोनास एवं स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस में कैप्सूल पॉलीसेकेराइड का बना होता है, जिसमें ग्लूकोज के अलावा अमीनो सुगर, रेमनोज, गैलेक्टोनिक एसिड, विभिन्न शर्कराओं के यूरानिक एसिड तथा पाइरुवेट एंड एसिटेट होते हैं। तो बैसिलस सबटिलिस में यह पॉलीपेप्टाइड पॉलीग्लूटामिक एसिड अम्ल द्वारा बना होता है। तो वह कैप्सूल जिसे साधारण माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाना संभव हो उसे मैक्रो कैप्सूल कहते हैं। तो मैक्रो कैप्सूल किसे कहते हैं? वह कैप्सूल जिसे साधारण माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाना संभव हो उसे मैक्रो कैप्सूल कहते हैं, जबकि वह कैप्सूल जिसकी पहचान केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अध्ययन के द्वारा ही स्थापित की जाती है उसे माइक्रो कैप्सूल कहते हैं। तो कोशिका के बाहर कैप्सूल का निर्माण करने वाला पदार्थ अवपंक या स्लाइम के रूप में स्रावित होता है एवं यह जल में घुलनशील होता है। तो यह अवपंक पदार्थ सेल वॉल कोशिका भित्ति से दृढ़ता पूर्वक ना जुड़कर शिथिलता पूर्वक संलग्न रहता है, तो इसकी परत को स्लाइम लेयर कहते हैं। कभी कभी विभिन्न जीवाणु कोशिकाओं की स्लाइम लेयर यदि एक दूसरे के संपर्क में हो तो जुड़ जाती हैं या चिपक जाती हैं और एक विशिष्ट अवस्था के रूप में परिलक्षित होती है, इसे जूगलिया अवस्था कहते हैं। अब पढ़ते हैं अपन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर के कार्य क्या क्या हैं? तो पहला है, स्लाइम लेयर की सहायता से जीवाणु विभिन्न आधार स्तरों सबस्ट्रेटा जैसे चट्टानों, पौधों की जड़ों व कोशिका की सतह पर चिपक जाते हैं। दूसरा है, प्रतिकूल परिस्थितियों में स्लाइम लेयर द्वारा पोषण प्राप्त होता है। तीसरा है, स्लाइम लेयर या कैप्सूल के उपस्थित जल जीवाणु कोशिका को अस्थाई शुष्कता से बचाता है। नेक्स्ट है, रोगकारी जीवाणुओं की उग्रता कैप्सूल की उपस्थिति के कारण संभव होती है। अब अपन बात करते हैं सरफेस अपेंडेजेस। तो एक स्लाइड भी दिखाती हूँ आपको, एक स्लाइड शेयर करती हूँ, सरफेस अपेंडेजेस इन बैक्टीरिया। तो ये तो अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ये देख लेना, सरफेस अपेंडेजेस इन बैक्टीरिया, ठीक है? तो इसकी बात कर रहे हैं अपन, ये स्लाइड मैं अनलास करती हूँ आपके लिए। इसकी बात कर रहे हैं कशाबिका का विन्यास, अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला इन बैक्टीरिया। तो कशाबिका का विन्यास कैसे होता है? तो बैक्टीरिया में फ्लैजिला की उपस्थिति के आधार पर
बैक्टीरिया को दो वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन से बेटा? एक तो है ए ट्राइकस, जिसे बोलते हैं हिंदी में अशुक या ए ट्राइकस, तो ए ट्राइकस है। दूसरा है बेटा ट्राइकस कशाबिका युक्त, ठीक है। तो ए ट्राइकस से क्या समझते हो? इनमें कशाबिकाएं अनुपस्थित होती हैं, मतलब जिन बैक्टीरिया में फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं वह ए ट्राइकस बैक्टीरिया कहलाते हैं। अतः ये अचल या गतिहीन होते हैं, अतः ये अचल या गतिहीन होते हैं, जैसे अनेक कोकस जीवाणु एवं लैक्टोबैसिलस तथा पास्चुरेला तो मतलब ए ट्राइकस अशुक का मतलब है इनमें कशाबिकाएं अनुपस्थित होती हैं, अतः ये अचल या गतिहीन होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? अनेक कोकस जीवाणु एवं लैक्टोबैसिलस। दूसरा आप देख रहे हो ये है ए ट्राइकस, इसमें एक भी फ्लैजिला नहीं है तो यह है ए ट्राइकस। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस का मतलब देख रहे हो एक ही कशाबिका है, एक ही फ्लैजिलम है, ठीक है, मोनोट्राइकस। और ये है एम्फीट्राइकस, तो दोनों एंड पे फ्लैजिला है। अभी बात करते हैं इनकी, अब बात करते हैं अपन कशाबिका युक्त या ट्राइकस। तो इस प्रकार के जीवाणुओं में कशाबिकाएं इस प्रकार के जीवाणुओं में कशाबिकाएं पाई जाती हैं, अतः ये जीवाणु गतिशील या सचल मोटाई होते हैं। तो ट्राइकस किसे कहेंगे? कशाबिका युक्त या ट्राइकस। इस प्रकार के बैक्टीरिया में कशाबिकाएं फ्लैजिला पाई जाती हैं, अतः ये गतिशील या मोटाइल होते हैं। जीवाणु कोशिका की सतह पर कशाबिकाओं की संख्या एवं विन्यास इनकी लाक्षणिक विशेषता होती है, जो इनके वर्गीकरण एवं पहचान में सहायक है। तो कोशिका सतह पर कशाबिकाओं के विन्यास के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं बेटा? ध्रुवीय, पोलर एवं नॉन पोलर, अध्रुवीय। तो अपन पहले बात करते हैं पोलर फ्लैजिलेशन की, मतलब ध्रुवीय कशाबिका विन्यास की। तो इनमें मतलब पोलर फ्लैजिलेशन की बात कर रहे हैं, इनमें कशाबिकाएं जीवाणु कोशिका के ध्रुवों पोल्स या अंतिम सिरों पर उपस्थित होती हैं, और ये निम्न प्रकार के होते हैं बेटा। एक है बेटा एक कशाबिकी का मतलब है मोनोट्राइकस, एक कशाबिकी मोनोट्राइकस। तो इस प्रकार की जीवाणु कोशिका में एक पोल एक ध्रुव या सिरे पर केवल एक ही कशाबिका पाई जाती है, जैसे कि बेटा विब्रियो कॉलेरी। ये देखो बेटा ये मोनोट्राइकस का एग्जाम्पल है, तो ये जो है मोनोट्राइकस की बात चल रही है। तो इस प्रकार की जीवाणु कोशिका में एक पोल एक ध्रुव या सिरे पर केवल एक ही कशाबिका पाई जाती है, जैसे कि आप बी डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? विब्रियो कॉलेरी व स्यूडोमोनास सिट्राई। दूसरा है एम्फीट्राइकस, उभय कशाबिकी। तो इनमें इसमें जीवाणु कोशिका के दोनों सिरों पर एक एक कशाबिका पाई जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है बेटा? नाइट्रोसोमोनास। देखना बेटा जीवाणु कोशिका, ये एम्फीट्राइकस का एग्जाम्पल है, जीवाणु कोशिका। सी डायग्राम को देखना, मतलब सी डायग्राम में जीवाणु कोशिका के दोनों सिरों पर एक एक कशाबिका पाई जाती है, जैसे नाइट्रोसोमोनास। तीसरा है सिफेलोट्राइकस, ये भी दिखाया हुआ है इसमें। सिफेलोट्राइकस का मतलब है इनमें जीवाणु कोशिका के किसी एक सिरे पर या किसी एक सिरे पर दो या दो से अधिक कशाबिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है। तो सिफेलोट्राइकस में क्या बोलेंगे? इनमें जीवाणु कोशिका के किसी एक सिरे पर दो या दो से अधिक कशाबिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है। और सिफेलोट्राइकस का एग्जाम्पल क्या है? स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस,
स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस और इन्हें क्या कहते हैं, इस प्रकार के जीवाणुओं को शिरोपुच्छ कशाबिक भी कहते हैं। ठीक है, तो सिफेलोट्राइकस इस प्रकार के जीवाणुओं को शिरोपुच्छ कशाबिक भी कहते हैं। पर याद क्या रखोगे, इनमें जीवाणु कोशिका के किसी एक सिरे पर दो या दो से अधिक कशाबिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है। ठीक है, एक है बेटा लोफोट्राइकस को हिंदी में क्या कहेंगे, गुच्छ कशाबिकी। तो लोफोट्राइकस ऐसी जीवाणु कोशिकाओं में दोनों सिरों पर कशाबिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। देखो बेटा ये है लोफोट्राइकस, तो दोनों सिरों पर ऐसी बैक्टीरियल सेल के दोनों सिरों पर ये कशाबिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। तो डी डायग्राम में क्या दिख रहा है, लोफोट्राइकस। और लोफोट्राइकस का एग्जाम्पल है स्पाइरिलम वोल्यूटेंस। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं नॉन पोलर और पेरिट्राइकस, ए ध्रुवीय या पेरिट्राइकस। तो इस प्रकार की संरचना में जीवाणु कोशिका की संपूर्ण सतह पर कशाबिकाएं समान दूरी पर व्यवस्थित होती हैं। जैसे एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रिडियम, ये देखो बेटा पेरिट्राइकस की बात कर रहे हैं, मतलब इस प्रकार के जीवाणु की संपूर्ण सतह पर, ये ई डायग्राम में दिख रहा है, कशाबिकाएं समान दूरी पर स्थित होती हैं। तो ये है पेरिट्राइकस का एग्जाम्पल। अब अपन लेते हैं व्हाट इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिलम, जीवाणु में कशाबिका पाई जाती है तो उसकी कशाबिका की परासंरचना कैसी होती है। तो सामान्य कशाबिका एक प्रारूपिक जीवाणु कोशिका की तुलना में 10 गुना अधिक लंबी होती है। विभिन्न जीवाणुओं में कशाबिका की लंबाई एवं व्यास अलग अलग होता है। तो फ्लैजिलम मतलब कशाबिका की लंबाई 20 माइक्रोन या अधिक एवं व्यास 120 एंगस्ट्रॉम डिग्री से 180 एंगस्ट्रॉम डिग्री होता है। तो विवरियो समूह के जीवाणुओं में कशाबिका का व्यास 300 से 350 एंगस्ट्रॉम डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ कशाबिका कोशिका झिल्ली द्वारा निर्मित आवरण से ढकी होती है एवं कोशिका भित्ति संरचना से प्रभावित होती है। तो कशाबिका की संरचना को तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है बेटा बेसल ग्रेन्यूल, ए डायग्राम देखो, इसमें है एक तो है बेटा आधारीय कणिका बेसल ग्रेन्यूल, दूसरा है हुक HOOK, मैं घुमा रही हूँ एरो, दूसरा है हुक, तीसरा है तंतु फिलामेंट और शेफ्ट। तो एक कशाबिका को किसमें डिवाइड किया गया है, बेसल बॉडी में, हुक में व फिलामेंट में, फिलामेंट माने तंतु और शेफ्ट। तो अपन बात करते हैं आधारीय कणिका की, बेसल ग्रेन्यूल की। आधारीय कणिका मतलब बेसल ग्रेन्यूल की बात हो रही है। तो बेसल ग्रेन्यूल में क्या पढ़ते हैं अपन, बेसल ग्रेन्यूल आधारीय कणिका कशाबिका कोशिका द्रव्य के आंतरिक भाग में आधारीय कणिका से जुड़ी होती है, जिससे ये ऊर्जा प्राप्त करती है। यह एक छोटी छड़ जैसी संरचना होती है तथा अनेक वलयों से घिरी रहती है। ये कैसी है, एक छोटी छड़ जैसी संरचना होती है तथा अनेक वलयों से घिरी होती है। यह छड़ जीवाणु कोशिका में अंतः स्थापित होती है। तो ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में आधारीय कणिका दो जोड़ी वलयों की बनी होती है। इनमें बाहरी वलय जोड़ा कोशिका भित्ति तथा भीतरी जोड़ा कोशिका झिल्ली से जुड़ा रहता है। तो ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं में केवल एक जोड़ी वलय होती है। इनमें बाहरी वलय कोशिका भित्ति से तथा भीतरी वलय कोशिका झिल्ली से संलग्न रहती है। तो आधारीय कणिका के कार्य क्या है, पहला है कशाबिका के पॉलीमर्स बहुलकों का संश्लेषण करना, दूसरा है कशाबिका की गतिविधियों का नियमन करना। सेकंड बात करते हैं हुक की, तो आप डायग्राम में देख रहे हो ये है हुक। तो हुक के बारे में अपन बताते हैं, तो हुक क्या है बेटा, ये मुख्य तंतु को आधार भाग से जोड़ता है। यह
होकर मुख्य तंतु को आधारीय भाग से जोड़ता है। इसकी उत्पत्ति कोशिका भित्ति से होती है तथा यह हुक तंतु के समकोण पर मुड़ जाता है। तो हुक क्या है? यह मुख्य तंतु को आधारीय भाग से जोड़ता है तथा यह तंतु के समकोण पर मुड़ जाता है। और ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में हुक की लंबाई ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं की तुलना में कम होती है। तो हुक की विशेषताएं क्या क्या हैं? हुक कशाबिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है। इसकी संरचना सूक्ष्म होती है और प्रत्येक जीवाणु में हुक की विशिष्ट एंटीजेनिक प्रकृति होती है। यह रासायनिक कारकों मतलब हुक रासायनिक कारकों के प्रति अधिक स्थायी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं तंतु और फिलामेंट की। तंतु और फिलामेंट की बात कर रहे हैं तो तंतु और फिलामेंट में देखते हैं। यह मतलब फिलामेंट जीवाणु कोशिका की सतह पर उपस्थित एवं हुक से संलग्न नलिकाकार संरचना होती है। इसका निर्माण अंडाकार प्रोटीन उप इकाइयों के द्वारा होता है। प्रोटीन के संगठन में प्रोलीन हिस्टिडीन सिस्टीन एवं ट्रिप्टोफेन नामक अमीनो एसिड्स होते हैं। तो जो अपन देख रहे हैं ये क्या है बेटा? फिलामेंट है। हाँ, तो ये जो फिलामेंट है बेटा, ये जो दिखाई दे रहा है बैक्टीरिया में, तो इसमें क्या होता है? फिलामेंट का निर्माण अंडाकार प्रोटीन उप इकाइयों के द्वारा होता है। प्रोटीन के संगठन में प्रोलीन हिस्टिडीन सिस्टीन ट्रिप्टोफेन नामक अमीनो अम्ल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कशाबिका की परासंरचना का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि जीवाणु कशाबिका यूकैरियोटिक कोशिका के माइक्रोट्यूब्यूल के समान दिखाई देती है और जीवाणु कशाबिका फ्लैजेलिन नामक प्रोटीन की उप इकाइयों के द्वारा बनी होती है। तो जीवाणु कशाबिका मतलब बैक्टीरिया का जो फ्लैजिलम है वो फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन की उप इकाइयों सब यूनिट्स के द्वारा बनी होती हैं। इन प्रोटीन उप इकाइयों का अणुभार 40,000 डाल्टन होता है तथा इन प्रोटीन उप इकाइयों का व्यास डायमीटर 40 एंगस्ट्रॉम डिग्री होता है। ये प्रोटीन अणु बेलनाकार अक्ष के चारों ओर कुंडलित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। एक कुंडलिका में 8 से 10 फ्लैजिलिन अणु होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्लैजिला की संरचना प्रोटीन उप इकाइयों की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब है बेटा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फ्लैजिला? तो इनका फ्लैजिला का प्रमुख कार्य जीवाणु कोशिका को गतिशील बनाकर इनके स्थान परिवर्तन का होता है। इससे पोषण पदार्थों को अधिक मात्रा में ग्रहण किया जा सकता है। अब अपन बात करते हैं बेटा पिल्लई और फिम्ब्रिए की। पिल्लई या पाइलाई, आप क्या बोलेंगे? रोम या पाइलाई या झालर फिम्ब्रे। तो अनेक ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं एवं आंत्र में पाए जाने वाले जीवाणुओं मतलब एंट्रिक बैक्टीरिया में कुछ सूक्ष्म उपांग पाए जाते हैं जो कशाबिकाओं की तुलना में छोटे होते हैं एवं इनका गतिशीलता से कोई संबंध नहीं होता। इनको रोम या पाइलाई कहते हैं। तो पाइलाई क्या होते हैं बेटा? कि अनेक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वे एंट्रिक बैक्टीरिया में कुछ स्मॉल अपेंडिजेस पाए जाते हैं जिनका गतिशीलता से कोई संबंध नहीं होता। इनको रोम या पाइलाई कहते हैं। ये मतलब पाइलाई कशाबिका की भांति खोखले होते हैं परंतु कुंडलित या सर्पिल नहीं होते। तो पाइलाई की लंबाई 0.2 से 20 माइक्रोन तक होती है एवं पाइलाई का व्यास 30 से
100 एंगस्ट्रॉम डिग्री होता है, कितना होता है 30 से 100 एंगस्ट्रॉम डिग्री होता है। एक जीवाणु कोशिका पर इनकी संख्या एक या एक से अधिक होती है तथा इनका व्यास भी अलग अलग होता है। तो एक बैक्टीरियल सेल एक जीवाणु कोशिका में वैसे 100 से 150 रोम पाए जाते हैं। एक बैक्टीरियल सेल में कितने रोम मिलते हैं? 100 से 150 पाइलाई रोम पाए जाते हैं। ये पेरिट्राइकस रूप से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जीवाणुओं में दो प्रकार के रोम पाए जाते हैं। इन बैक्टीरिया टू टाइप्स ऑफ पाइलाई आर फाउंड, जो कि है एक तो है सोमेटिक पाइलाई, मतलब ये क्या है कायिक रोम, एक है सेक्स पाइलाई, एक क्या है सेक्स पाइलाई है। तो अभी एक